स्वागत है आपका ट्रक्स बसेज के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपके लिए लाए हैं अशोक लीलैंड की स्कूल बस ओएस्टर वीआई के नाम से आई सीरीज कंपनी ने निकाली है, जिसका मतलब है इंटेलिजेंट सीरीज। स्कूल बस के लिए काफ़ी सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल इसमें आपको सीट्स मिल जाते हैं। आगे आपको पैराबोलिक कमानी और पीछे भी आपको पैराबोलिक कमानी, तो काफ़ी अच्छा आराम देने वाली ये बस है। अशोक लेलैंड की तरफ से आती है स्कूल बस में, इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाली ये बस है। एच सीरीज वाला 4 सिलेंडर इंजन लगा है, निकालता है 147 HP की पावर और 450 Nm का पीक टॉर्क। सामने से इस बस का लुक काफ़ी प्यारा है, काफ़ी खूबसूरत है। बड़ी इसमें आपको विंड स्क्रीन मिलती है और बड़े बड़े दो वाइपर मिल जाते हैं, पूरी विंडशील्ड को क्लीन कर देते हैं। अशोक लीलैंड के यहाँ पर बैजिंग मिलती है, यहाँ पर लीलैंड का लोगो मिल जाता है। गोल हेडलैम्प के साथ साइड इंडिकेटर भी दिए गए हैं। बाहर निकले हुए ORVMs मिल जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वहाँ पर मिरर दिया गया है, जो यहाँ का एरिया आपको दिखाता है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और फॉग लैंप लगाने का प्रोविज़न भी कंपनी ने इसमें दिया है। 4900 mm के व्हील बेस पे ये बस बनी है। अगर ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो 9860 mm इसकी ओवरऑल लेंथ है, 2350 mm इसकी हाइट है। GVW की बात करते हैं तो 9350 kg इसमें नॉन AC वेरिएंट में इसका ग्रॉस वेट मिलता है और 9650 kg ग्रॉस वेट इसका AC ऑप्शन में मिलता है। AC और नॉन AC दोनों ही ऑप्शन में आप इसको ले सकते हैं। ये बस है नॉन AC वाले। स्कूल बस के लिए डिजाइन किया गया है तो आपको अंदर से दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको ओएस्टर VI की बैजिंग मिलती है, कुछ इस प्रकार का एंट्री गेट दिया गया है, यहाँ पर पावर स्टेयरिंग दिया गया है, एडजस्टेबल है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। पार्किंग ब्रेक का लीवर भी वहाँ पर आपको मिल जाता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये आपको देता है। 5-speed का इसमें आपको सिंक्रोनस टाइप गेयरबॉक्स दिया गया है विद डायरेक्ट ड्राइव। केबल शिफ्ट सिस्टम के साथ इसको जोड़ा गया है। ड्राइवर को आराम देने के लिए एक फैन लगाया है। ये हेड रैक्स दिए गए हैं, बच्चे अपने बैग रख सकते हैं। 3x2 और 3x3 ऑप्शन में आप इसको ले सकते हैं। अगर आप 3x2 सिटिंग लेआउट में इस बस को लेते हो तो 53 या 54 सीट ऑप्शन में आप इसको ले सकते हो। वहीं अगर 3x3 सीटिंग लेआउट में लेते हो तो 60 और 62 प्लस ड्राइवर सीटिंग ऑप्शन में आप इसको ले सकते हैं। हर सीट पर आपको इमरजेंसी बटन दिए गए हैं। अगर मैं सीट टाइप की बात करूं तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग वाली सीट है, और मैं बैठ के दिखाऊं आपको तो इतना स्पेस मेरे पैर के आगे बच जाता है। अच्छा लेग रूम है। बच्चों के पकड़ने के लिए यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। अच्छी कंफर्टेबल इसमें आपको ये सारी सीट्स मिल जाती हैं। तो इस प्रकार का कुछ इंटीरियर है दोस्तों। ये 7.5x16 साइज के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल बस की काफ़ी खूबसूरत दिखती है, वहाँ पर आपको इंडिकेटर भी दिए गए हैं। 2 फुटस्टेप दिए गए हैं, ड्राइवर गाड़ी में एंटर कर सकता है। यहाँ पर एडवलू टैंक दिया गया है, यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है। 115 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है और 24 लीटर का इसमें आपको एडब्लू टैंक मिल जाता है। एयर ब्रेक्स दिए गए हैं दोस्तों इसमें। पीछे आपको ट्विन टायर वाला एक्सल मिलता है।
पीछे भी आपको पैराबोलिक कमानें मिलती है, काफ़ी मजबूत इसमें आपको चेचिस दिया गया है और जगह जगह पर काफ़ी सारी रेनफोर्समेंट की गई है जो इसकी मजबूती बढ़ा देते हैं। और पीछे का दृश्य कुछ इस प्रकार का है, पीछे एक बड़ा शीशा मिलता है, हाइट मार्कर लेंथ दिए गए हैं, अशोक लेलैंड की बैजिंग और लोगो मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं इसमें, ये टेल लैंप काफी खूबसूरत डिजाइन के साथ दी गई है। तो कुछ इस प्रकार की है दोस्तों ये अशोक लेलैंड की ओएस्टर वीआई बस। आपको अशोक लेलैंड की बस कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में कौन सी बस का रिव्यू आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।